ऋतिक रोशन की धमाकेदार पारी बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों के साथ सिनेमा घरों में पूरी की सेंचुरी। साल 2019 ऋतिक रोशन के लिए काफी शानदार रहा है। सुपर 30 और वॉर के साथ एक के बाद एक लगातार दो सुपरहिट फिल्में देने के बाद ऋतिक ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक उनकी फिल्म वॉर ने सिनेमा घरों में रिलीज के 50 सफल दिन पूरे कर लिए हैं। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर यह फिल्म साल 2019 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है। ऋतिक इस साल 100 से अधिक दिनों तक सिनेमा घरों में दर्शकों का मनोरंजन करते रहे हैं। पहले सुपर 30 ने 50 दिनों का सफर तय किया था और अब वॉर ने सिनेमा घरों में 50 दिन पूरे कर लिए हैं। यह शानदार रिकॉर्ड है और कोई शक नहीं कि ऋतिक फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित होंगे। एक और दिन ऋतिक रोशन ने अपने फैंस को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया है। इस साल की शुरुआत में सुपर 30 के बाद अब ऋतिक की वॉर ने भी बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे कर लिए हैं। किसी भी अभिनेता के लिए बॉक्स ऑफिस पर कम से कम एक फिल्म के साथ 50 दिनों का सफर तय करना बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन ऋतिक रोशन ने केवल कुछ महीनों के अंतराल में दो बार यह उपलब्धि हासिल की है। वॉर फिल्म वॉर में ऋतिक को एजेंट कबीर के किरदार में काफी पसंद किया गया है। इस साल फैंस ने ऋतिक को दो अलग अलग किरदारों में देखा और सराहा है। फिल्म ने भारत में 317 करोड़ का बिजनेस किया है। सुपर 30 इस साल की शुरुआत में ऋतिक रोशन ने सुपर 30 के साथ एक हिट दी थी, जिसमें बिहार के शिक्षक आनंद कुमार की समाज के प्रति जीत की कहानी को पर्दे पर उतारा गया था। अभिनेता ने फिल्म के लिए खुद को एक बिहारी गणित के शिक्षक के रूप में बदल दिया था, जिसके लिए ऋतिक को बेहद सराहा गया था। सबसे बड़ी फिल्म खास बात यह भी है कि वॉर के साथ ऋतिक रोशन को उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म मिली है, साथ ही 300 करोड़ क्लब में भी शामिल हो चुके हैं। लंबे समय से था इंतजार। साल 2017 में फिल्म काबिल की सफलता के बाद ऋतिक लगभग दो सालों तक बड़े पर्दे से गायब रहे, लेकिन सुपर 30 और वॉर की बेजोड़ सफलता के साथ उनके कमबैक से फैंस को खुश कर दिया। आने वाली फिल्में फिलहाल कृष 4 को छोड़कर ऋतिक रोशन ने किसी फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। देखना दिलचस्प होगा कि 2020 में ऋतिक क्या धमाका करते हैं।